बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम एग वेजिटेबल नूडल्स बनाएंगे बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी। देखें, दो पैकेट मैंने नूडल्स के लिए हैं और इसको हम सबसे पहले बॉईल करके निकाल लेंगे। ऑयल ऐड किया है पानी के अंदर थोड़ा सा, और इसको अब हम बॉईल करेंगे। और बॉईल करने के बाद या तो इसको आप ठंडे पानी में डालें या फैला दें इसको आप। बहुत मज़े की बनती है, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी है। मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। नूडल्स हमारी हो चुकी है, हमने पानी से निकाल दी थी इसको, ठंडे पानी से। और अब हम इसको फैला देंगे और इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि ये आपस में चिपके नहीं। इस तरह से आप करते हैं। हम अंडे तोड़ लेंगे क्योंकि हम एग नूडल्स बना रहे हैं, तो हम अंडे जो हैं इसमें फेंट के रखेंगे। चार अंडे मैंने तोड़े हैं और इसको मैं अच्छे से फेंट लूंगी। बाकी हम सब्जियां काट लेंगे। ये देखिए, मैंने बंद गोभी लिया है, कैबेज लिया है, इसका हम ये हेड इस तरह से जो हार्ड पार्ट होता है ये निकाल देंगे, क्योंकि ये फिर मुँह में आता है तो बहुत बुरा लगता है। इसका भी हम अंदर से ये निकाल देंगे ताकि जो है ना इसमें मुँह में ना आए। और इस तरह से हम बिल्कुल फाइन कटिंग कर लेंगे सब्जियां। आप जिस एंगल में काटें, आप डाइसेस में काट रहे हैं, छोटी उसमें काटें, आप जूलियन में काट रहे हैं, स्पैगेटी में जो है नूडल्स जूलियन में ही अच्छी लगती हैं, तो इसलिए आप कोशिश करें कि सारी सब्जियां आप जूलियन कट में काटें। ये देखिए, गाजर मैंने काट ली है साथ में, आप शिमला मिर्च कटेगी, रेड बेल पेपर और ऑरेंज येलो बेल पेपर की थोड़ी सी है वो भी काट ली है, प्याज भी काट लेंगे इसके अंदर थोड़ी सी। ज़्यादा इसमें क्वांटिटी में सब्जियां नहीं जाएंगी। स्प्रिंग अनियन का ही थोड़ा सा ग्रीन पार्ट काट ले रही हूँ ताकि ये कलर के लिए बहुत अच्छा लगता है। अब हम सबसे पहले जो है अंडा फ्राई कर लेंगे और उसको हम स्क्रैम्बल बना लेंगे ताकि जो है उसके अंदर अच्छे से पड़ जाए और मिक्स हो जाए अच्छे से। इसको इस तरह से करके आप चाहें तो डायरेक्ट स्क्रैम्बल बना लें, आप चाहें तो कच्ची से काट के बना लें, जैसा आपको सहूलत हो उस तरह से आप बना लें। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की ये बनती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली वीडियो की नई अपडेट्स आप लोगों को मिल सके। देखिए, 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाला है, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं इसमें जाएगा, थोड़े से गार्लिक डाले हैं और ये मैंने कश्मीरी लाल मिर्च बिल्कुल बारीक बारीक काट के रखी हुई थी, ये हम सिर्फ कलर के लिए और थोड़ी सी अच्छी लगती है इसके अंदर, तो हम ऐड कर रहे हैं। इसमें हमें स्पाइसेस नहीं चाहिए इतने ज़्यादा, सब्जियां ऐड कर रही हूँ मैं इसके अंदर। बहुत ज़्यादा सब्जियां ओवर कुक नहीं होंगी, बस हल्के हल्के सौते करेंगे ताकि इसका क्रंचीनेस रहे, तो ही नूडल्स में अच्छी लगती हैं, वरना गल जाएंगी तो बिल्कुल सौगी सौगी हो जाएगी, तो वो मज़े की नहीं लगती है। अब मैंने बाकी सब्जियाँ भी सारी ऐड कर दी हैं इसके अंदर और फ्लेम हमने हाई रखी है। अब हम इसके अंदर मीडियम टू हाई रखी है फ्लेम। अब हम इसके अंदर नूडल्स ऐड कर रहे हैं और उसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से इस तरह से। उसके बाद हम सॉसेज ऐड करेंगे। नमक ऐड कर रही हूँ मैं इसके अंदर, चिकन पाउडर ऐड कर रही हूँ इसके अंदर, सोया सॉस विनेगर ऐड किया मैंने, सोया सॉस डार्क सोया सॉस ऐड कर रही हूँ 1.5 टेबल स्पून। इसके अंदर मैंने सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है वो है चिली ऑयल, वो ऐड किया है जिससे कलर बहुत ज़बरदस्त आता है इसके अंदर। और शेजवान सॉस ऐड किया है मैंने 1 टेबल स्पून, ब्लैक पेपर ऐड किए। चिली सॉस से बिल्कुल आपका वो लुक आएगा जो आपको रेस्टोरेंट में खाने को मिलती है, तो इसलिए आप चाहे आप बना के रख लें चिली सॉस, चाहे आप ले लें बना बनाया, बहुत ईजी है उसको बना के रखना, तो आप खुद से बना लें तो ज़्यादा अच्छा है आपका। इसके अंदर लास्ट के अंदर हम अंडा और स्प्रिंग अनियन ऐड करेंगे इसके अंदर। बस हमारी एग वेजिटेबल नूडल्स हमारी बिल्कुल रेडी है। देखें कितनी ज़बरदस्त है हमारी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की, और टेस्ट तो इतना मज़े का है कि आप खुद खाएंगे तो कहेंगे कि बहुत
लगता है। बहुत ही देखें आई कैचिंग रेसिपी बनी है, कितनी ज़बरदस्त थी। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।